players of. They are going to give her a surprise. मेरे यार का बर्थडे. आप लोगों ने ये टाइम जो देखा वो आज का नहीं, ये कल रात का है. और कल रात को ऐसे आसार थे कि कोई तूफान आए या बारिश है, बट एकदम तूफान बारिश आ गई. बट अच्छा लगा बिकॉज पवन भी अच्छा था. वो बारिश के बाद जो आफ्टर मौसम रहता है ना वो बहुत तगड़ा था. तो रात को इतनी मस्त ठंड रह गई थी ना, तो कल का एटमोसफियर तो इतना ऑसम हो गया था ना. तो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू माई चैनल श्रुति प्रशांत. तो जो टाइटल है अबाउट माई सिस्टर्स बर्थडे, उसके बर्थडे आज रात को मतलब 5 जून 12 o'clock से स्टार्ट हो जाएगा. तो अभी बजे रात के 9 और अभी बहुत सारे अरेंजमेंट्स करने बाकी है और अभी 9 बजे तो खाना भी बाकी है. तो आपको मैं एक बार एक जस्ट लुकआउट देता हूँ घर में कितने कितने काम पेंडिंग बाकी है. बिकॉज सुबह तो मैं सलून के लिए गया था और ये थोड़ा सा मेकअप मेरे थोड़े में आप देख सकते हो, अगर अच्छा वाला लगा होगा आप लोग को तो मुझे बताना कि अच्छा है कि नहीं. तो पर्टिकुलरली जो मेरा रूम है ये पूरा रूम अरेंज करना बाकी है. ये पूरा टेबल जिस हिसाब से मैसी फैला हुआ ना, तो ये एक काम. और दूसरा काम के घर में खाना बन रहा है, किंजल बना रही है और पापा मम्मी और किंजल ये दीदी के शादी का वीडियो देख रहे हैं. और फिलहाल इट्स अबाउट टू 9, तो खाना प्रिपरेशन हो रहा है. तो इसका खाना खत्म करने के बाद अपन अरेंजमेंट्स करते हैं. किंजल को पता है कि इसके बर्थडे का अरेंजमेंट करना है, बिकॉज अरेंजमेंट उसकी आपके सामने होगी. तो देखते हैं अभी क्या होता है, एक्साइटिंग रहेगा इतना पता है. चलो तो फिर खाना खाने के बाद कंटिन्यू करते हैं. बर्थडे केक तो अच्छे से कट गया, बट शी डोंट नो कि हमने एक सरप्राइज प्रिपेयर किया हो इसके लिए. बट उसको पहले से चाहिए था, बट वो प्रिपेयर कर रही थी, खुद से पैसे भी सेव कर रही थी, बट उसको पता भी नहीं होगा कि ऐसे वी आर गोइंग टू गिफ्ट दिस थिंग. लेट्स
देखकर रिएक्शन का क्या रहता है। और सरप्राइज यहाँ पर मम्मी वो ही निकाल रही थी हाल फिलहाल, और ये जो अमेज़न के डब्बे में आपको जो बड़ा दिख रहा है, सो दिस इज अ सरप्राइज फॉर हर। सो लेट्स सी कि व्हाट्स हर रिएक्शन। तो हाँ, अभी पापा आ गए, पापा आने के बाद दे आर गोइंग टू गिफ्ट हर अ सरप्राइज। तो अनफॉर्चुनेट इसको पता था कि सरप्राइज कौन सा होने वाला था। तो अनफॉर्चुनेटली मम्मी की जो ओवर एक्टिंग है उसने मेरे सरप्राइज में हमारे सरप्राइज का पूरा पेट कर दिया। भाई संभाल के प्यार से पूरा तहजीब से। पूरे सेलिब्रेशन में सिर्फ एक जन को मिस किया है जो भाई अभी सो रहा है। अगर ये जगता ना तो सही में बोलता हूँ हमारे घर के कोई भी फंक्शन में ये बंदा चार चांद लगा देता है विदाउट एनी डाउट। बट सोते हुए भी ये कितना प्यारा सा क्यूट सा प्रोफेशन, मतलब क्यूटी पाई लगता है भाई। तो यहाँ पर अभी ये सीन चल रहा है कि ये लोग अपने रूम में वॉच को असेंबल कर रहे हैं, जो भी अपडेट एप्लीकेशन जो भी डालना है उसका अरेंजमेंट यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पर ऐप है, यहाँ पर वॉच है, यहाँ पर QR कोड है, यहाँ पर ऐप चल रहा है, इंस्टॉलेशन हो गए। और मतलब ये लोग आज वॉच तोड़ ताड़ के जोड़ के रात को शायद सूप पहन के ही सोएगी। और यहाँ पर मम्मी ने आइसक्रीम प्रिपेयर कर दी है, सो हियर इज़ द आइसक्रीम। बस अभी ये आइसक्रीम खाना है, रात को मज़े करना है, और फिर क्या करना है, सो जाना सुबह अपनी राइड। तो फिर मैं सुबह मिलता हूँ राइड के वक्त। और हाँ, राइड के लिए पूरा अलग डेडिकेटेड व्लॉग आ रहा है, तो अब ये व्लॉग कंटिन्यू होगा शायद शाम को या दोपहर, जब भी कंटिन्यू होगा दिख जाएगा आपको। तो मिलता हूँ मैं। तो भाई साहब, आज का सीन ऐसा था कि कल तो अपन ने वो सेलिब्रेशन खत्म किया, कल सब खत्म किया, बस लेट नाइट सोने का हो गया था, अराउंड 2 बज गए थे। उसके बाद जैसे मैं उठा तो मैं भूल ही गया था कि आज तो राइड भी है। तो डेज भाई ने मुझे उठाया, मैं एक्चुअली उठा भी नहीं था। डेज ने हाँ बैठ पे गए राइड से, जैसे मैं वापस आया अराउंड 3:30 या 4 को वापस आया, जैसे वापस आया मैं प्रेस हो गया, बस मैं जैसे सोया रहा भाई, डायरेक्ट अभी शाम हो रही है। और वो शाम को जैसे मैं उठता हूँ किंजल बोलते हैं कि भाई एक काम कर मुझे छोड़ के आ, देखो उनके फ्रेंड्स लोग कहीं बाहर उनका वेट कर रहे हैं। तो बस अभी उसको ड्रॉप करके आया, और हाल फिलहाल उसकी बर्थडे की प्रिपरेशन घर में स्टार्ट हो गई है। प्रिपरेशन में ना खाना भी आता है, बस खाने इज़ अ पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन। तो मम्मी खाना बना रही है, मौसी जी ये जो अल्फ़ाबेट्स रहते हैं ना हैप्पी बर्थडे के, वो अल्फ़ाबेट्स अभी सेट हो रहा है, और इसको ना मैंने कहीं से निकाल के लाया हूँ। और एक तीसरी चीज़ भी है कि मुझे लाना है केक। तो अभी फिलहाल अपन केक लेने जाएंगे, उससे पहले डेकोरेशन करेंगे। सोच रहा हूँ करूँ क्या, बट अभी सोच जल्दी सोचता हूँ, बस टाइम कम है, बिकॉज 6:30-7 होने को आया और 8:30 में केक कट भी करना है। तो फटाफट सब चीज़ें तो निपटा रहा हूँ, केक लाना है। और थैंक यू बद्दू, थैंक यू। सीन ऐसा हुआ था कि अल्फाबेट्स कुछ अच्छे थे कुछ नहीं, और पूरा उसका सेट ही मिलता था। फिर अनफॉर्चुनेटली हमको जाना पड़ा, पूरा सेट है ना, सेट तो अभी लिया है, अभी उसको फुल से ग्लो करना होगा और फिर उसको यहाँ पर लगाना होगा। तो आधी प्रोसेस वो आपने टाइमलेस में दे दी, अभी आधी प्रोसेस वापस से मेरे को रिपीट करनी होगी। मतलब इट्स डिफिकल्ट नहीं, बट टाइम लग जाएगा फिर से, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी किंजल आने में भी टाइम है, तो ये काम खत्म भी हो जाएगा। आई एम होम। तो डेकोरेशन भी अभी ख़त्म हो गया, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। केक भी टेरिस के वहाँ था तो मुझे लेने जाना पड़ा, मैं केक लेके अभी आ भी गया। एक बार आपको डेकोरेशन कर रहा हूँ, तो उसके बाद फिर उसको केक कटिंग की स्टार्ट ही करते हैं ऑलमोस्ट। तो दिस इज थिंग, और एक चीज़ जो रूम में लाइट थी वो मैंने लाइट क्लोज कर दी, जैसे किंजल आती है वो रिंग लाइट चालू कर दूंगा, तो शायद से उसके बाद देखते हैं इसका ग्लो कैसा था। तो फिलहाल उस रूम में आता है किंजल को, किंजल आ गई है तो किंजल को भी बुलाते हैं और फिर ये स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी अभी।
डेकोरेशन एंड यही था कुछ स्टफ, और यहाँ पर जो बलून्स थे टाइम में आके सब कुछ अच्छे से जस्टिफाई हो ही जाएगा, बट हाउ इज इट? I appreciate. मैंने पहली बार किया है. Once in a whole life. You know नहीं सही में. I know. So these are the special people's part of this celebration. मामा जी, मामी जी, पार्थ, जिसके बर्थडे थे वो, मम्मी, वायु, जेंडर पर फीलिंग पे जाओ, फीलिंग पे. मामा जी, मामी जी वैसा बोला है. मामा जी, मामी जी, पापा तो है ही. मौसी जी, भाई. तो इसी के साथ पूरा सेलिब्रेशन खत्म हो रहा है, और मैं खुद को कहीं भूल नहीं सकता. सो आई एम द वन हु द बी बिहाइंड दिस ऑल एफर्ट्स. नहीं, बहुत सब के एफर्ट थे जो पापा है. अच्छा ओके, इसके इसका एफर्ट था कि ये बॉर्न हुई है. तो बस आई होप आप लोग को ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा. इसके नेक्स्ट वाला व्लॉग आज का वो जो पर्टिकुलर ट्रैवल व्लॉग था वो आ जाएगा. अगर वो जल्दी आता है इसके बारे में लिंक दे दूंगा, अगर वो पहले आएगा तो उसके बारे में इसकी लिंक दे दूंगा. जो भी होगा समझो देख लेना. तो बस आज के लिए इतना रखते हैं, और अभी खाना स्टार्ट होगा ही. इवन दिस खाना सेशन इज द पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन. तो बस इसी के साथ आज का डे खत्म करते हैं. आई होप यू लाइक द व्लॉग. इफ यू लाइक इट देन प्लीज डू लाइक इट. इफ यू आर न्यू हियर प्लीज सब्सक्राइब इट, और प्लीज शेयर किया करो. आई नीड सेलिब्रेशन. तो बस आज के इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट शो में. तब तक आप हमें पास रहे, साथ रहे, खास रहे, आवाज रहे, मुस्कुराते रहे, और देखते रहे. तो आज के बस इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट शो में. तब तक लिया.